हाल ही में हुए 5 राज्यों में चुनाव के दौरान अपने चुनावी रैलियों में विपक्ष ये कहकर अपने पक्ष में माहौल बनाने की कोशिश की कि मोदी सरकार रोजगार के अवसर पैदा करने में विफल रही, लेकिन हकीकत इससे बिल्कुल अलग है। मनमोहन सरकार में देश में मोबाइल उत्पाद करने वाली कंपनी 2 थी, वहीं मोदी सरकार में मोबाइल बनाने वाली कंपनियों की तादाद 125 से ज्यादा हो गई। आज मेक इन इंडिया के तहत रेलकूद से लेकर लड़ाकू विमान व सैन्य हथियार बनाए जा रहे हैं। जाहिर है इन सभी से देश में रोजगार के अवसर तो बढ़े ही होंगे, कम होने का सवाल ही नहीं। रोजगार को लेकर ईपीएफओ द्वारा जारी किए गए आंकड़ों में इस साल के अक्टूबर माह में ऑर्गेनाइज सेक्टर में रोजगार सृजन पिछले साल के इसी महीने के 2.81 लाख से करीब 3 गुना होकर 8.27 लाख पर पहुंच गया है। ईपीएफओ के पेरोल आंकड़ों के अनुसार सितंबर 2017 के बाद अगले 14 महीों में रोजगार के कुल 79.16 लाख यानी लगभग 80 लाख अवसर सृजित हुए। अक्टूबर 2018 के दौरान सृजित हुए अवसरों में सर्वाधिक 2.32 लाख अवसर 22 से 25 वर्ष के आयु वर्ग के लिए सृजित हुए। इसके बाद 18 से 21 वर्ष आयु वर्ग के लिए रोजगार के 2.22 लाख अवसर सृजित किए गए। इन आंकड़ों से साबित होता है कि विपक्ष बेरोजगारी के नाम पर मोदी सरकार के खिलाफ लोगों को दिग्भ्रमित करने की कोशिश कर रहा है।